आगरा में एक युवक ने शमशाबाद स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में घुसकर शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। ऐसा आरोप मंदिर के पुजारी ने लगाया है। पुजारी ने कहा कि मंदिर में पूजा कर लोगों ने युवक को ऐसा करते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। मामला आगरा के शमशाबाद कस्बे का है। युवक का नाम मोहित कुशवा है। वह सेवला सराय का रहने वाला है। मोहित दो दिन पहले अपनी माँ के साथ मामा मूलचंद के घर आया था। मामा का घर शमशाबाद के गढ़ी परसा में है। मंदिर में मौजूद लोगों ने कहा युवक पहले मंदिर पर पहुंचा, मंदिर के बाहर उसने अपना मोबाइल तोड़ा, इसके बाद सीधा मंदिर में घुस गया। युवक ने महादेव मंदिर के शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। मंदिर परिसर पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। युवक को थाने ले गई। मंदिर पूजा कर रहा था, उस टाइम अचानक से घुस के चला आया और मुझे पता नहीं थी और आया ही मंदिर पेशा कर रहा है। मैंने देखा तो पेशा करता हुआ दिखा, मैंने पकड़ के खींच लिया। बस ठीक है। कहाँ पेशा? शिवलिंग पर खींच के बाहर ले आया और मैंने पुलिस वालों से कही इसे पकड़ लो। वो भी आना कानी थी कर रहे थे, लेकिन वो जाना जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया। फिर पकड़ ही लिया वो थाने ले। आप पूजा कर रहे थे उस समय? हाँ, मैं इधर दाऊजी महाराज पर था। मुझे आवाज़ आई पेशा कर रहा है शिवलिंग पर, तो मैं उठ के देखा तो बाग ही कर रहा था, मैंने पकड़ के खींच लिया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। आरोपी मोहित की मां सावित्री ने कहा तीन दिन से मोहित को सिर दर्द हो रहा है, इसका इलाज चल रहा है। 12 जुलाई को आगरा की एक पैथोलॉजी में टेस्ट कराया। मामले में थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजीव कुमार सिंह ने कहा युवक को हिरासत में लिया गया है। युवक अपने मामा के यहाँ रहने गया था, उस पर प्राचीन दाऊजी मंदिर के शिवलिंग को अपवित्र करने का आरोप लगा है। मामले की जांच की जा रही है। युवक की टूटी मोबाइल जब्त कर लिया गया है। इतनी बड़ी घटना हुई है और इस घटना की पूरा संगठन निंदा करता है। जिस तरीके से देश के अंदर ये लगातार माहौल चल रहा है, क्योंकि विशेष समुदाय द्वारा रोटियों पर थूकना, फलों पर थूकना और बोतलों में थूकना, पानी थूकना, ये थूका कांड चल रहा है। और अमरावती की जो घटना कन्हैया कुमार की घटना हुई है, उससे देश का माहौल जो गर्माया है, उसी की घटना आज शमशाबाद में देखने को मिली है। यहाँ के दाऊजी मंदिर है प्रसिद्ध शमशाबाद का, उसके बराबर में मुस्लिम बस्ती है, तो यहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने भोले बाबा पर टॉयलेट किया है और उसकी वीडियो बना करके वायरस करने की कोशिश की। उससे पहले उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है, लेकिन बहुत प्रशासन की सूझबूझ से जो शमशाबाद जो बारूद के ढेर पर लगातार बैठा रहता है, वो आज बहुत बड़ी घटना बची है। लेकिन शमशाबाद के एसओ साहब ने बता दिया है, इसका मोबाइल का पूरा डेटा निकाल करके इसकी जांच करने के बाद में इसको जैसे भी प्रतिक्रिया होगी, जैसे ही उसके जांच के जो आदेश मिलेंगे उसको तत्काल प्रभाव उसकी कार्रवाई होगी। हमारे संगठन की ये मांग है कि जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होगी, जैसे भी इसके डेटा निकले और नई कार्रवाई होती है, तो हम बेहतर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या उस युवक को हिरासत में ले लिया? हिरासत में लिया, उसके परिवारी लोग भी आ गए, उसका मामा भी आ गया, सबको पूछताछ सब पे चल रही है, जांच चल रही है। जांच का विषय आज जांच चलेगी और कल इसका डेटा आ जाएगा मोबाइल का, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू होगी। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं था, ऐसा क्या कुछ मामला सामने आया? सही है, इंटर की ये पढ़ाई कर रहा है, इंटर की पढ़ाई कर रहा है, पैसे है, मोबाइल ऑनलाइन क्लास लेता है, ठीक है। मानसिक रूप से थोड़ी सी दवाइयाँ उसकी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटर की ऑनलाइन क्लास ले रहा है मोबाइल के माध्यम से और पढ़ाई कर रहा है और सोशल मीडिया पर पूरा नेटवर्क चला रहा है, तो इसका मतलब मानसिक तो नहीं हो सकता। अपना मोबाइल तोड़ रहा है वीडियो बनाने के बाद में, उसके जेब में पैसे भी हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन थाने में आके वो कोई बात नहीं कर रहा है, न किसी बात का जवाब दे रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। मामला दाऊजी मंदिर पर हुआ, सावन के हमारे जो पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें किसी एक अज्ञात लड़के ने आकर दाऊजी मंदिर पर आया और उसने शिवलिंग पर खड़े होकर पेशाब की, उसी कृत्य को देख रहे थे हमारे, अभी आपको अवगत कराया है, उनका नाम कुटकुट भाई है, उनने अवगत कराया, अवगत कराया, उनने पुलिस प्रशासन से कहा, प्रशासन को उसको पकड़वाया है। इसके बाद मुझे पता चला, मैं थाने गया, मैंने एसओ साहब से बातें भी की, तो उसको एसओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसके आज तो इतवार है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कल उसकी जो मोबाइल जो पकड़ा गया है उसके मोबाइल की सब कॉल डिटेल जो मोबाइल जो है CDR वगैरह वो सब कल पूरी उसकी जो है सब खुल के आ जाएगा पूरा।
फिलहाल युवक के मोबाइल की CDR पुलिस द्वारा निकलवाई जा रही है। घर वालों ने डॉक्टर इलाज कराने के पर्चे भी मुहैया कराए हैं। हर पहलू पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्राचीन दाऊजी मंदिर मिश्रित आबादी से सटा हुआ मंदिर है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों ने युवक पर कार्यवाही की मांग की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।